हाय दोस्तों, मेरा नाम देव और आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज अपन कह रहे हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 2। तो बहुत दिनों बाद में आया तो मेरे को गेम अच्छा लगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो एक नया वर्ल्ड बना लिया है, फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चलो चलते हैं अपने शॉप पर। तो अपन को इस गेम में एक मारुति अल्टो 800 मिली है, तो इसको लेकर अपने शॉप में चलते हैं। कोई हैरियर यार, कोई अच्छी गाड़ी दे देते। ऐसे इसमें गाड़ी तो है, मैंने देखे थे, बहुत सारी गेम प्ले देखे थे, पर उस टाइम मेरा पीसी ख़राब था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो फिलहाल अभी जाकर मेरा पीसी ठीक हुआ है। तो चलो ये अपनी शॉप है, मेरे को पहले शॉप पर जाना है। और मेरे पास अभी डॉलर है, $350 हैं फ़िलहाल। तो ये है पुलिस स्टेशन और आगे सीधे सीधे की साइड, मतलब सामने ही शायद मेरी शॉप है। तो वहाँ पे चलते हैं और फिर अपनी शॉप को ओपन करते हैं और वो जो भी सामान है उसको जचाते हैं और चलते हैं जल्दी से अपनी शॉप पर। तो फ़िलहाल अपने शॉप पर आ चुके हैं और इसका नाम है टॉप डेली। तो कोई बात नहीं, जल्दी से इस रैक को उठा लेता हूँ। इसको उठा लिया और इस डब्बे को भी उठाना है भाई, इसमें सामान है। F दबाकर इसको उठा सकता हूँ, नहीं इसके आइटम को उठा सकता हूँ यार, शायद राइट क्लिक करने पर माउस के उठा लेता है। तो राइट क्लिक करते हैं माउस का और चलते हैं फिर। और ई से ये खुलता है गेट, तो ई दबाकर इसको खोल देते हैं और अब चलते हैं अंदर की साइड। पहले सबसे पहले मैं इस रैक को लगाता हूँ कहीं अच्छी सी जगह। अभी तो फ़िलहाल पूरा मतलब शॉप खाली है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसमें गेमिंग शॉप भी बनाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार, कमेंट करके सभी जाओ जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट। और ये तो पता नहीं क्या आइटम है, पर इसको उठाकर मैं जल्दी से रैक में रख देता हूँ। और यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको स्क्रॉल करके दूसरे मतलब इन्वेंटरी में जाने में। तो इसको सारे आइटम को मैं अभी यहाँ पर जचा देता हूँ, जब तो ये बंदा बेच पाएगा। अदरवाइज डे की $100 लेता है, एक दिन की $100 इनकम है इसके, मतलब इंडिया के 8 से 9 हज़ार रुपये एक दिन के। तो आप लगा सकते हो डे के मतलब महीने के $30,000 लेगा बंदा, लूट रहा है अच्छी तरीके से। तो अपन को टैबलेट है, देखो अपने $350 है दिखा रखा है, और इसमें सारी अपनी हेल्थ वेल्थ सब कुछ इस टैबलेट में पता चलेगी। तो अभी अपनी हेल्थ और ये फूड वाटर ब्लेडर सब कुछ इस टैबलेट के अंदर। और पीछे की साइड अपन को डब्बे फ्री मिले हैं 5, तो कोई बात नहीं, 5 डब्बे मतलब 5 आइटम अपन को मिले, 6 आइटम मिले, एक बार भी मिला था। तो 6 आइटम अपन को फ्री मिले हैं, तो इनको बेच के थोड़े बहुत पैसे आ जाए। तो जल्दी से इन आइटम को उठा लेते हैं और फिर रैक पे सारे को जचा देते हैं। अदरवाइज ये बेचेगा नहीं यार, इन डब्बों में बेच देता तो अच्छी बात है, तो मेरे को इस रैक में जचाने नहीं पड़ता। तो पहले सभी को इन्वेंट्री में लो फिर यहाँ पर जचाओ, बहुत मेहनत लगती है रियली में। तो फिलहाल इसको यहाँ पर जचा देते हैं और ये बंदा बेचने में लग रहा है। एक डब्बा बिक गया है अपना और पता नहीं क्या चीज़ है, पर इनको लगा देता हूँ, ये चिप्स है शायद, ये स्नैक्स है, सो स्नैक्स को लगा देता हूँ फिर आगे देखते हैं। तो इस डब्बे को पूरे को यहाँ पे लगा देता हूँ, जगह देखनी पड़ रही है। तो फिलहाल इन सभी को मैं जचा कर अभी आपको 2 मिनट में मिलता हूँ। तो फिलहाल मैंने सारे आइटम जचा दिए और पीछे की तरफ एक स्टोर रूम और है, ये और देख के आता हूँ। तो ये स्टोर रूम बन जाएगा फिलहाल। तो अब चलते हैं जबेट शॉप पे, चलते हैं जबेट शॉप से थोड़े बहुत सामान लेके आता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी हैं। तो फिलहाल देखते हैं, अभी तो है मेरे पास $500 है, तो चलते हैं एक बार जबेट शॉप से कुछ आइटम लेके आते हैं, क्योंकि इसको मेंटेन रखना थोड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अपने पैसे डाउन हो गए तो फिर अपन ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ जबेर शॉप पे, यहाँ से थोड़े से आइटम ख़रीद लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि यार शॉप को थोड़ा भरा भरा रखेंगे तो ही तो मतलब कस्टमर आएंगे, और अपनी रेटिंग भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ अपन कोई सामान नहीं खरीद देंगे, क्योंकि इसमें रेटिंग सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसमें रेटिंग की। रेटिंग आपकी अच्छी है तो ही आपको सामान बेचेंगे लोग, अदरवाइज़ आपको कोई भी शॉपकीपर आपको शॉप वाला अपन को सामान नहीं देगा। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं, और इसके अंदर ये भी आती कंप्लेंट आपकी, अपन के पास कौन सा सामान नहीं है, तो इन कंप्लेंट के हिसाब से भी अपन सामान खरीद सकते हैं और वैसे भी। तो फिलहाल जैसा हो वैसा मैं सामान खरीद लेता हूँ जो भी मेरे को मिले। तो फिलहाल मेरे को तो पता नहीं है कौन सा सामान मेरे को चाहिए, तो जो मिलेगा वो ले लेते हैं। एक बार स्टार्ट ही तो किया, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो आज स्टार्ट ही किए, तो एक बार धीरे धीरे सारा सामान आएगा। तो लगभग जो मिले खरीद लो, मेरे पास है $550 है, नहीं $650 हो गए हैं लगभग। तो फिलहाल जल्दी से आइटम खरीदते हैं और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी में लोड करवाते हैं। तो मैंने बहुत सारा आइटम खरीद लिया है, जल्दी से अपनी गाड़ी में ऊपर इसके ऊपर देखते हैं कि लोड होता है या नहीं, होना तो चाहिए।
तो देखो इसको स्क्रॉल करके कॉर्नर पर लगाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बॉक्स हैं, रियली में बहुत सारे बॉक्स हैं। आई डोंट नो कि इसके ऊपर सारे आइटम आएंगे या नहीं आएंगे, तो जितने आए उतने लेंगे, फिर इन्वेंट्री भी लेके फिर चलेंगे। दूसरा राउंड भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बॉक्स ले लिए मैंने। फ़िलहाल सारे बॉक्स ले लिए हैं, अब जल्दी चलते हैं अपने। एक मेरे को बाथरूम और एक शॉवर लेना था, क्योंकि इसमें ब्लैडर और उसकी भी समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अपना ब्लैडर फुल हो रहा है और अपन को नहाने के लिए भी इसमें सारी चीज़ें रिक्वायर हैं। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो अपन को सभी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो अपन जल्दी से वो शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे एक तो ख़रीद लेते हैं। अभी सेंस फिलहाल मेरे पास $650 दोबारा से हो गए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे एक मैं रैक ख़रीदने की भी सोच रहा था, तो जल्दी से यहाँ से भी एक रैक ख़रीद लेता हूँ फर्नीचर शॉप से। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और एक रैक ख़रीद लेते हैं। और मेरे को एक रैक चाहिए थी, क्योंकि मेरे को सामान रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी, मतलब आइटम रखने के लिए रैक नहीं थी। तो ये तो है $100 की और ये है $120। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा आइटम की रिक्वायर नहीं है, तो मैं एक बार $100 वाली ले लेता हूँ। और दूसरे आइटम तो मैं ले नहीं रहा फिलहाल, ये तो मेरे को नहीं चाहिए और अच्छी भी नहीं लग रही, तो ये ले लेते हैं। $100 की है तो इसको बाय कर लेते हैं, तो स्पेस नहीं है, ये बाय कर लिया। और अब मेरे को कुछ नहीं करना और नॉर्मल सी वहाँ पर जाना है और टॉयलेट ख़रीद के लाना है, क्योंकि उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा ब्लैडर फ़िलहाल फुल होने वाला है, तो मेरे को अपना ब्लैडर भी खाली करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, है शॉप शायद, और मेरे को नया ही ख़रीदना पड़ेगा यार। इसमें ओल्ड का है तो सही, पर मुझे पता नहीं कहाँ पर है वो शॉप। और ये है गेमिंग शॉप, इससे भी आइटम खरीदेंगे इन फ्यूचर। और ये आगे की साइड टॉय शॉप है और ये अपनी शॉप आ चुकी है, तो मुझे यहीं से ही वो क्या बोलते हैं टॉयलेट ख़रीदनी है और फिर अपने शॉप पे लगा देंगे। और ये मेरी गाड़ी बिल्कुल भी बस में नहीं आ रही है, रियली में मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है ये, तो यहाँ पर पार्क कर देते हैं। देखो बिल्कुल भी बस में नहीं है ये, बिल्कुल भी ड्राइव वाली कार नहीं है। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और फिर अपने जो भी ख़रीदना है वो खरीद लेते हैं। और अब फिलहाल अपने पास $550 है, तो अपन को बाथरूम चाहिए था टॉयलेट, तो ये तो देखो ये नहीं ख़रीदना, मेरे को ये ख़रीदना है। तो इसको जल्दी से बाय कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने शॉप पर, और वो बाथरूम वो बाद में ख़रीदेंगे, अभी पैसे नहीं है। फिलहाल देखो मेरे पास $39 ओनली। तो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, और ये ड्राइव वाली गाड़ी नहीं है तो अच्छी गाड़ी दे देते हैं यार, दे रखिए, पर वो बहुत महंगी है, अभी फ़िलहाल अपन नहीं ख़रीद सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपनी शॉप पर, तो अभी मिलता हूँ अभी आपको मैं शॉप पर जाकर। तो फिलहाल मैं अपनी शॉप पर आ चुका हूँ और ये अपनी सारी चीज़ें मैं अभी जचा देता हूँ, और ये रैक भी लेके आया हूँ और अपना टॉयलेट भी लेके आया हूँ। तो फिलहाल इस रैक को पहले यहाँ पर इसके साइड में लगा देता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास इतने आइटम तो है नहीं, पर देखते हैं लगा देता हूँ मैं, और इसको भी अंदर दे रख के आता हूँ। इधर अपना बाथरूम और ये इधर ही लगाएंगे इस कॉर्नर में, और ये अपना स्टोर रूम भी बन जाएगा, इसमें अपने सारा मतलब आइटम इसी में स्टोर करने वाले। टॉयलेट तो लगा दिया, अब जल्दी से फ्रेश भी हो जाते हैं और फिर चलते हैं अपने शॉप पर और फिर सारे आइटम को जचा देते हैं। तो वैसे बहुत बड़ी शॉप दे रखी है और अपने पास कुछ है भी नहीं फ़िलहाल, तो पैसे नहीं है यार, पैसे अभी अपने पास $39 ही, और सारे आइटम भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इन सभी आइटम को जो मैं लेके आया हूँ सभी को अभी जचा देता हूँ, और अभी आपको 2 मिनट मिलता हूँ सारे आइटम जचा के, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि और मुझे नहाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इसमें हेल्थ डाउन हो रही है। तो देखते हैं अभी लोन लेने जाते हैं बैंक में। तो मैं अभी बैंक में आ चुका हूँ, अब यहाँ से लोन लेते हैं और फिर अपना जो भी आगे की प्रोसेस वो देखते हैं, और जो ख़रीदना है वो नहाने का सामान भी ख़रीदना है। तो चलते हैं अंदर, और ये बैंक है तो बैंक तो बहुत बड़ा बना रखा है, पर इसमें कोई कस्टमर ही नहीं है, तो सामने इसी से लेना होगा शायद लोन। तो ई दबा के इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और $25 एक्स्ट्रा लेगा ये अपन से, रिफंड लेगा जब, तो इसने अपन को मतलब दे दिया है और शायद $25 भी काट लिए, आई डोंट नो। पर चलते हैं अभी, और अपना काम हो गया, अब इसको $25 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मेरे माइनस में चल रहा था, क्योंकि मेरे वो जो शॉप संभाल रहा है ना उसके भी $100 कट चुके थे दिन। तो फिलहाल मैं बाथरूम खरीदने जा ही रहा था, रास्ते में एक शॉप दिखी, ये देख पता नहीं किस चीज़ की, तो देख के आता हूँ। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कार रिपेयर की शॉप है, और ये पुराने आइटम देता है क्या, आई डोंट नो, ये पुराने आइटम तो नहीं देता, पर ये कार रिपेयर की शॉप है, यहीं पर अपना पूरी कार रिपेयर होगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरे को नहीं करवानी, अभी तो मेरी कार अच्छी तरीके से चल रही है, कार तो पता नहीं क्या चीज़ है, ये चलती है नहीं बिल्कुल। तो निकलते हैं अभी फर्नीचर शॉप से, वहाँ से वो लेंगे वो आइटम।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करते, और प्लीज़ जो भी मन में आए वो कमेंट कर दिया करो, गंदी गालियाँ मत देना बस, कोई अच्छा कुछ भी कमेंट आप करना चाहो तो कर सकते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर जाया करो, और बताया करो ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। आपके लिए नए नए गेम लेके आ रहा हूँ, सभी के पार्ट आएंगे पर धीरे धीरे आएंगे। तो ये तो जबेर की शॉप है, और ये देख रहा हूँ रस्तों में कौन कौन सी शॉप आ रही है, और ये मतलब तो ये क्लोथ और हाउसवेयर की शॉप है। तो अब चलते हैं अपने जल्दी से मेन डेस्टिनी पर, और वहाँ से अपना बाथरूम खरीद के फिर अपनी शॉप पर चलते हैं। मैं फ़िलहाल अभी फर्नीचर शॉप पर आ चुका हूँ, और अपनी इसकी गाड़ी खड़ी भी नहीं होती है यार, ये स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि जब तक स्टॉप नहीं होगी मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो इसको चलाना यार रियली में बहुत मुश्किल है। तो अपनी जो भी बाथरूम था वो ख़रीद लेते हैं और फिर निकलते हैं, और बहुत ही महंगा है यार, $500 बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है रियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं इंडिया में। तो $500 का बाथरूम यार नॉर्मल सा लगा लेंगे, अपन खेतों में चले जाएंगे पर $500 का नहीं लगाएंगे। तो निकलते हैं, फिलहाल मजाक कर रहा हूँ, तो चलते हैं अपनी शॉप पर, और अभी मिलता हूँ अभी आपको शॉप पर जाकर। तो मैं अपनी दुकान पर जा ही रहा था, बीच में ये जबेर की दुकान आ गई, और बीच में एक बंदा खड़ा है यार, ये दुकान के बीच में क्यों खड़ा है, और ये अपन से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो ये अपन से $50 मांग रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी दुकान के आगे एक बाउंड्री बना दूंगा, मतलब अच्छा लुक बना दूंगा जिससे कस्टमर आ सके। तो इसको दे देते हैं, $50 ही तो मांग रहा है, और अपने पास $550 है, तो मैंने इसको पेमेंट कर दिया है। वे काम कब से स्टार्ट करेगा, कल का नाम ले रहा है, आई डोंट नो कब तक स्टार्ट करेगा, पर वो थोड़ा बहुत यहाँ से सामान खरीद लेते हैं और फिर निकलते हैं अपनी दुकान पर, और वहाँ पे थोड़े बहुत सेल करना स्टार्ट करते हैं यार, बहुत लॉस में जा रहे हैं, और धीरे धीरे अपन प्रॉफिट में आएंगे। तो ये आइटम ख़रीद लेता हूँ और फिर अपने शॉप में लगा देता हूँ, और फिर मिलता हूँ अभी। तो फिलहाल मैंने सारे आइटम खरीद लिए, अपनी गाड़ी पर लोड भी करा लिए, और अब चलते हैं अपनी दुकान पर, और वहाँ पर इन सभी आइटम को रैक पर लगाते हैं, और फिर करते हैं बेचना स्टार्ट। नॉर्मल वो बंदा बेचेगा, अपन नहीं बेचेंगे, और अपन को प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ आएंगी, गेमिंग शॉप आएगी, बहुत कुछ है इसमें। तो फिलहाल मैं अपनी शॉप पर पहुंच चुका हूं, और ये वीडियो इतनी रखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो इस वीडियो में अपन ने बहुत कर लिया, लोन ले लिया बैंक से, बहुत सारे आइटम खरीद लिए, लेट मतलब टॉयलेट और बाथरूम खरीद लिया, एक रैक खरीद लिया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो कैसी लगी है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, नीचे कमेंट करके बताया करो जरूर कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक।